Assalamualaikum, it's me, Ahmed Umtaz. Basically, मेरा यहाँ पे बैठने का एक मकसद है कि मुझे बहुत सारी क्यूरीज आती हैं इस क्वेश्चन पे कि हम कब तक ड्राइंग सीख लेते हैं या सीख सकते हैं. बेसिकली हमें ये नहीं पता ना जैसे कि हमारी कितनी उम्र है. तो इस सवाल का यही जवाब है कि कुछ चीजें वक्त के साथ आपको रियलाइज होती हैं कि वो किस अरसे में सीखी जा सकती है, कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, कितनी डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, कितना हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है. जब हम एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी एक जिंदगी में आते हैं ना यहाँ पे दुनिया में, तो आप इन बातों को समझते हैं कि हम समझते हैं लाइफ इजी है, मैट्रिक तक कर लो, इंटर तक कर लो, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर लो, लेकिन लाइफ आहिस्ता आहिस्ता हार्डर होती रहती है. ठीक है, इसी तरह कुछ ड्राइंग के एलिमेंट होते हैं कि जब आप फर्स्ट मंथ सीखते हो आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, सेकेंड मंथ चीजें आपसे फेमिलियर होने लगती हैं, आपकी दोस्त बनने लगती हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को रीड करने लगते हो उन वोकैबुलरीज के साथ जो आपने एक मंथ में सीखी होती है, फिर वही दो मंथ की वोकैबुलरीज फिर थर्ड मंथ में आपको काम आती है और आप आहिस्ता आहिस्ता इस डिटेल में एंटर होते रहते हैं. देखिए बात पता है क्या है, ये जो ड्राइंग सीखने का एक प्रोसेस है ना, ये एक पैरेलल एफर्ट है एज अ टीचर, एज अ मेंटोर की भी और एज अ स्टूडेंट आपकी भी. ठीक है, अगर मैं आपको कुछ चीजें समझा भी दूं, कुछ चीजें बता भी दूं, लेकिन उसके अंदर आपकी डेडिकेशन, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीज भी पैरेलल उतनी ही वेटेज रखती है जितना आपका और हमारा आपके साथ एसोसिएट होना मैटर करता है. यही मोटिव है जो कि मैं ये एक ख्वाब या एक ड्रीम कहने लेके चला था कि जब मैं ड्राइंग सीखना स्टार्ट की थी तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसा लगा था जैसे इस फील्ड में कोई हाथ ही पकड़ने वाला नहीं, कोई समझाएगा ही नहीं, सब कुछ खुद करना पड़ेगा. जब एडमिशन होगा, मार्क्स का एग्रीगेट, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपकी ड्राइंग किस लेवल पे लाइक करती है, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे जब मैं एज ए इमेच्योर इस फील्ड में एंटर हुआ था. तो वक्त के साथ साथ जब मैंने एडमिशन लिया, मेरे जो मेंटोर हैं ज़ुहैर रोए हैं और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उन्होंने मुझे दुनिया को देखने और दुनिया को समझने के साथ साथ ड्राइंग के डिफरेंट एंगल्स पर्सपेक्टिव का अंदाज़ा दिया. आपकी हर लाइफ में ज़ुहैर रोए होता है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है. ठीक है, चीजें बदलती हैं, आपको स्टे लेना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है एक इंसान के ऊपर, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में वो चीज लिखी है तो आपको वो उस इंसान के जरिए भी मिल सकती है. तो ये ट्रस्ट रखना, इस उम्र में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी चीजों से फेडअप हो जाते हैं, अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, एक दूसरे से देखा देखी, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया है, वहां जाना है, मैंने वहां पे जाना है, मेरे दोस्त आगे चले गए, मैं पीछे रह गया. मेरा मानना सिर्फ ये है कि जब भी आपने कोई एक लंबी छलांग लगानी होती है तो थोड़ा सा पीछे जाके ही आप छलांग लगा सकते हैं, ना कि आप खड़े खड़े ही उस जगह पे एक लंबी छलांग लगा दें. तो अगर आप थोड़ा सा पीछे आते हैं लेकिन आपने फॉरवर्ड भी उतना ही होना होता है, तो आप उस चीज पे ट्रस्ट रखें, उस वक्त पे ट्रस्ट रखें कि जिस वक्त आपका अगर साल जाया हो रहा है, आपकी कोई यूनिवर्सिटी अप टू द मार्क नहीं है, तो आप उस चीज को, उस टाइम को, उस वक्त को यूटिलाइज करें. ठीक है, और उसको इतना बेहतर बनाएं कि वो वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट हो आपके आने वाले वक्त की. और अभी हमारे एंट्री टेस्ट प्रिपरेटरी क्लासेस के जो सेशन 2022 के हैं वो एडमिशन ओपन है, जिनकी टाइमिंग 9 to 11 एंड 3 to 5 है. यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ओवर देयर एंड बी कॉन्फिडेंट, इफ यू वांट टू लर्न ड्राइंग देन वी विल मेक यू लर्न इट.